मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिमप्रेम का अकाउंट सीबी का कैसे अपन आराम से मैनेज करेंगे उसके लिए एक आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास रिमप्रेम 30 अकाउंट में है, समझ लो आपके पास 20 रिमप्रेम एग्जांपल है और आपकी रैपिंग आ रहा है 30.75 आ रहा है, एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपके क्या आपके पास जो सीपी बैकरूल जो आपके पास एग्जिस्टिंग है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, मतलब उससे आप भारी नहीं कर सकते। और लेकिन आपको पार्टी चाहिए, बोल रहा है 30 काउंट मेरे को एक्यूरेट चाहिए, मेरे को 30.75 नहीं चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे और इसको कैसे मैनेज करोगे ताकि आपकी रैपिंग भी 30 आ जाएगा, काउंट से भी नहीं बढ़ेगा, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा, उसके लिए अपन एक बात करेंगे। देखो ये होता है शॉर्टकट मेथड है, मतलब जब रिम प्रेम में कोई गियर वगैरह अवेलेबल नहीं होता भारी करने के लिए, या इसका उल्टा सोचो कि अपन हल्का करना था कोई गियर नहीं है, वो दोनों केस में अप्लीकेबल है। तो उसमें समझ लो फॉर एग्जांपल सिंपलेस का रैपिंग आपकी 1.20 रखा हुआ, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपलेस का रैपिंग को आपको भारी करना पड़ेगा उसी रेशियो में ताकि आपकी 30 काउंट आ जाए। तो 30 काउंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 30.75 आ था, 30 काउंट लाना है, तो 1.20 जो सिंपलेस का रैपिंग था इसको आपको करना है 1.17 पे लेना है। 1.17 में लोगे तो आपकी 30.75 जाएगा, 30 काउंट आएगा। तो उसको देखो ड्रॉप फ्रेम का रैपिंग समझ लो 0.110 है, तो उसमें क्या करेगा, ड्राफ्ट रिक्वायर्ड कितना, एक्चुअल ड्राफ्ट इसमें इसको डिवाइड किया 10.9 अपन सिंपलेस में ड्राफ्ट चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपकी LF 1400 सिंपलेस का है चल रहा है, तो उसमें ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन हो गया 130/20 ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन, तो ड्राफ्ट कंस्टेंट कितना हो गया 2.9968 डिवाइड बाई सीपी इंटू BDCP, ये हो गया आपके ड्राफ्ट कंस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल BDCP अपन 69 का चला रहा है, ये वाला रैपिंग के लिए 69 का BDCP चला रहा है, तो CP कितना हो गया 2.9968 डिवाइड बाई 10.9 इंटू 69, मतलब 40 का CP समझ लो आपकी चल रहा है मशीन में, रैपिंग कितना निकल रहा है 1.20। तो आपको 1.17 अगर करनी है तो आप क्या करोगे, एक साथ आप 1.17 नहीं करना, किंतु लेकिन 1.17 1.20 अगर करोगे एक साथ 30.7 से 30 काउंट आ जाएगा। अपन क्या करेंगे, इसको दो स्टेप में करेंगे, समझ लो एक स्टेप में किए अपन 30.75 से 30.34 तक आ गया, फिर 4-5 दिन के बाद फिर चेंज करेंगे, मटेरियल थोड़ा आगे पुशअप हो जाएगा, फिर 30 काउंट आ जाएगा, तो उस केस में आपको CV का लफड़ा नहीं रहेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये इसीलिए करते, काउंट CV बढ़ेगा तो फैब्रिक की अपीयरेंस खराब हो जाएगा और अच्छा वर्किंग नहीं रहेगा वर्किंग में, और ब्रेकेज रेट ज़्यादा होगा अगर काउंट CV बढ़ जाएगा, इसीलिए हम इसको चेंज करते हैं, मतलब CV कैसे कम आएगा उसके लिए हम ये करते हैं। ये वाला आप नोट कर लीजिए ऑब्जेक्टिव जो है, और उसके बाद देखिए अपन चेंजिंग कैसे किए, किस हिसाब से किए आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रैपिंग रिक्वायर्ड 1.17, वी हैव टू चेंज CP इंक्रीज फॉर 40 से 41, अपन CP अगर 40 से 41 करेंगे, 40 की जगह 41 कर दिया समझ लो, तो अपना 1.17 आएगा, लेकिन ये गलत है, इसको अपन करेंगे नहीं, इसको करेंगे अपन को क्या, एकदम से 30.75 से 30 रैपिंग आ जाएगा, तो उसमें 0.78 का रैपिंग आएगा तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा, CV बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 30.75 का जाएगा, 30 का शामिल होकर जब जाएगा काउंट CV बढ़ जाएगा, 2% से ऊपर चला जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, अपन 41 का CP पहले करेंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे, देखो वी विल नॉट रिड्यूस टू 1.17 एक ही स्टेप में नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अपन BDCP 69 का जो है लिखा हुआ पहले वाला एग्जिस्टिंग मशीन में, तो BDCP अपन क्या करेंगे 69 के जगह काट के 70 का डाल दें,
BDCP जब 70 का डाल देंगे, आपको मालूम है BDCP और CP दोनों अपना लिंक रहता है, मतलब अगर आपको BDCP 69 डाला तो कितना ड्राफ्ट हो जाएगा, देखो 70 अगर डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो आपके ड्राफ्ट आ जाएगा 10.70 आ जाएगा 70 का BDCP जब डाल दोगे, तो अपना क्या थोड़ा सा भारी आ जाएगा, देखो 69 का 70 का BDCP डाल दिया तो 10.7 का ड्राफ्ट आ जाएगा, 1.178 का आपके सिम्प्लेक्स का रैपिंग आ जाएगा, मतलब रिम प्रो का रैपिंग 3.75 से थोड़ा भारी होने लगेगा। तो ये जब अपन 70 का करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो चेंज करेंगे ना, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो इसको 4-5 दिन चलने देंगे 70 का BDCP में, तो अपना रैपिंग आ जाएगा सिम्प्लेक्स का आ जाएगा क्या 1.178, मतलब 1.18 तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 4-5 दिन का माल, जैसे मटेरियल थोड़ा आगे आगे पुश हो जाएगा 4-5 दिन 6 दिन मान लो, उसके बाद क्या करना, अपना BDCP जो 70 की है और CP अपना देखो इसमें 40 का है, 40 का CP है, तो इसको क्या करना, 40 काट के 41 का CP कर देना, और BDCP जो 70 का है, 70 है, इसको 70 काट के 69 कर देना, तो आपकी ड्राफ्ट आ जाएगा 10.59 या 10.6 आ जाएगा। 10.6 जब ड्राफ्ट आ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन करके देखना, आपको 30 काउंट बैठ जाएगा, तब इसको मेंटेन रखना है। तो कभी भी बिल्कुल CP नहीं छेड़ना, LF 1400 का सिंपलेस है, माइनर एडजस्ट करने के लिए BDCP में एडजस्ट करना, 4-6 दिन चलने देना, फिर वापस CP चेंज करना, उसी तरह चलाओगी आपकी रिम फ्रेम का जो प्रॉब्लम था, CP BRW अवेलेबल नहीं था, जिसके लिए आप इतना प्रयास करके सिंपलेस से किया, उसके लिए क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगा, आप काम भी बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है, जो बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है, और इसको ध्यान रखिएगा और इसी तरह चेंजिंग करिएगा, ताकि प्रोसेस में कोई गड़बड़ी ना हो, काउंट से भी ना बढ़े। और आज वीडियो में इसमें समाप्त करता हूँ, थैंक यू।